सभी यूपीएससी स्टूडेंट जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को एक मेरा थोड़ा सा सजेशन है, आप लोग बिल्कुल भी स्टडी के प्रति तनाव मत लीजिएगा। आप लोगों को एक बेहतर स्टडी और कम समय में बेहतर सफलता प्राप्त करने के लिए आप एक थोड़ा सा ये जान लीजिएगा कि क्या सब करना है। सभी यूपीएससी स्टूडेंट जरूर देखना और इसे अपने पर लागू करके देखना। जैसे आप अपने पर कंट्रोल करो, सबसे पहली शर्त है कि आपको अपने पर, अपनी आत्मा पर, अपने पर सेल्फ कंट्रोल करना अगर आ गया तो आप दुनिया में कितना भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब खाना खाना है, दिनचर्या निर्धारित करो, कब नहाना है, कब सोना है, कब कोचिंग जाना है, कब नोट्स बनाने हैं, कब वॉक करना है। अपनी दिनचर्या का डिवाइडेशन कर दो जो भी आपको अच्छा लगता है। दूसरा काम क्या करना है, धैर्य बना के रखना है और पढ़ाई का तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी लाइफ में अगर आप पढ़ाई का तनाव लेने लगे तो आप तनाव ही तनाव में, आपका दिमाग बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा और ना आप एक बेहतर स्टडी कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या करना है, पढ़ाई को छोटे छोटे भागों में समय को तोड़कर तैयारी करो। जैसे आपको अगर 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे में आप ऐसा भी कर सकते हैं, 50 मिनट पढ़ सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। समय को आपको बोरियत भी नहीं आएगी और एक पढ़ाई अच्छी होती चली जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और माइंड जो है फ्रेश रहेगा। उस बीच में आप चाय पी लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, ड्राई फ्रूट खा लीजिएगा, खाना खा लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं आप, माइंड को फ्रेश रखकर पढ़ाई करें। तीसरा पॉइंट क्या है, मात्र 7-8 घंटे का तैयार करो। पूरे दिन की जो दिनचर्या है 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप रोबोट तो हो नहीं, आप कंप्यूटर तो हो नहीं, जो आप कोई मशीन तो हो नहीं जो आप 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हो और 24 घंटे आप किसी चीज को लगातार कर सकते हो। तो आपकी जो अच्छी पढ़ाई रहती है वो एक दिन में 7 से 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। एक समय ऐसा आता है कि आपको 15 घंटे भी पढ़ना पड़ता है जब यूपीएससी का मेंस होता है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 7-8 घंटा बहुत होता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद क्या करना है, अपने आपने जो भी पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी बुक पढ़ी हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हो, चाहे कोचिंग के नोट्स पढ़े हो या न्यूज़पेपर पढ़ा हो, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जरूर जोड़कर पढ़ें। जितना भी आप आसपास की प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ेंगे, चीज़ों को जोड़कर देखेंगे या आप प्रेजेंट में देखेंगे चीज़ों को, आपको वो चीज़ कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके वो सेल्फ चीज़ें याद हो जाएगी, एग्ज़ाम में बिल्कुल आईना बन जाएगी वो चीज़ें आप लोगों के लिए। इसके बाद क्या करना है, आप किसी भी समय पढ़ें जो आपको अच्छा समझें। आप किसी भी समय पढ़ सकते हो, ये नहीं है कि वो टॉपर था वो रात को पढ़ता था, वो टॉपर था वो दिन में पढ़ता था, वो शाम को पढ़ता था। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से पढ़ें। आप चाहे तो रात में, अगर आपका दिमाग रात में काम कर रहा है तो रात में पढ़ लीजिएगा, सुबह काम कर रहा है तो सुबह पढ़ लीजिएगा, दोपहर में काम कर रहा है तो दोपहर में पढ़ लीजिएगा, शाम काम कर रहा है तो शाम को पढ़ लीजिएगा। जिस समय भी आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है पढ़ाई का, आप उस समय पढ़ाई करें, ठीक है। और भरपूर नींद जरूर ले आप लोग, नींद हमारी पढ़ाई का एक हिस्सा है। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जाएगी, और जब दिमाग में चीज़ें नहीं जाएंगी तो आप बुकों के पास बैठकर करेंगे क्या। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नींद भरपूर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपने पर नियंत्रण पाकर सफल होना है। अगर आपने अपने पर नियंत्रण पा लिया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, अपने पर कंट्रोल पा लिया, तो आप दुनिया की कोई भी सफलता प्राप्त करने से नहीं चूक सकते। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सफलता आपके हाथ में आ जाएगी। जिसने भी इंद्रियों पर कंट्रोल किया उसने ही सफलता प्राप्त करी। नेक्स्ट है, पढ़ाई सबसे अच्छी कब और कैसे होती है, डिस्कशन करो, ग्रुप बनाकर डिस्कशन करो। 4 लोगों का ग्रुप बना दो आप लोग, 4 लोगों से 4 टॉपिक दे दो और अलग अलग दिन निर्धारित कर दो, डिस्कस करो, एक दूसरे से रजिस्टर दे दो, चाहे आपसे क्वेश्चन आ भी नहीं रहा ले भाई पूछो। अगर आपने 4 लोगों ने 40 चीज तैयार करी अलग अलग टॉपिक से तो आपकी 40 चीज तैयार। बार बार पढ़ें और सोचें और समझें।
पढ़ाई को बार बार पढ़ना है, बार बार सोचना है और बार बार समझना है, यही सफलता का एक मूल मंत्र है। और रिकॉल करना है चीजों को, दूसरों को रजिस्टर या नोट्स देकर पर्सन करने को कहे, आप उसका उत्तर दें। घर में अगर कोई माता पिता है पढ़ा लिखा, कोई ताऊ चाचा का या भाई बहन है, या फिर अगर कोई भी नहीं है तो आपकी जो क्लास है जहाँ पर आप कोचिंग लेते हैं वहाँ पर आपके लोगों दोस्त लोगों का जो ग्रुप है, या जो जहाँ पर आप रूम में रहते हैं रूममेट में अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। और आप देखना कम समय में अगर आप ग्रुप बना के ये सब काम अपने पर फॉलो करते हैं तो कम समय में आप सफलता के भागीदार हो जाएंगे। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।